Hello everyone, a very good morning all of you guys. So guys, today we are going to discuss about the structure of antibodies. Okay, antibodies और इससे related बहुत सारे types, इसके functions बहुत सारे importance है guys, ठीक है. So basically देखो, immunoglobulin यानी कि IG, इसको represent करते हैं short में IG से. So immunoglobulin molecule consist of four polypeptide chain. ये जो होता है guys, four polypeptide chain से मिलके बना होता है क्या हमारा antibody. 1, 2, 3, 4, ये फोर पॉलीपेप्टाइड चेन है गाइस, ठीक है, विच आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. और ये जो होते हैं एक दूसरे से गाइस डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं. ओके, सो बेसिकली बॉन्ड टू फॉर्म वाई शेप्ड ओके मॉलिक्यूल ऑफ द फोर चेन, टू लॉन्ग चेन कॉल्ड हैवी और एच चैन एंड टू शॉर्ट चैन कॉल्ड लाइट और एल चैन. इच पॉलीपेप्टाइड चैन इज कंपोज ऑफ सेवरल अमीनो एसिड अरेंज इन द लीनियर फैशन. ओके, ये जो एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं गाइस, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ये अमीनो एसिड का एक कंडीशन होता है, एक लीनियर फैशन से ये जुड़ा होता है. और ये लीनियर फैशन में ऐसा जुड़ा रहता है कि ये वाई शेप्ड में दिखता है, ठीक है. जनरली इसमें इस एंटीबॉडी को बनाने के लिए टू मेन कंपोनेंट यूज होते हैं, ठीक है, यानी कि टू चेन यूज होता है. जो सबसे लंबा वाला चेन दिख रहा है इधर भी और इधर भी, इसको बोला जाता है गाइस लाइट हैवी चेन या फिर एच चेन से नाम से जानते हैं. ये जो शॉर्ट में दोनों साइड दिख रहा है इसको बोला जाता है गाइस लाइट चेन. ओके, लाइट चेन जिसको एल चेन के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो इसमें टोटली यही होता है कि ये जो है बेसिकली आपके एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर फॉर्म है. ओके, एंड और एंटीबॉडी की बात करूँ गाइस, तो एंटीबॉडी जो होता है लॉजिकली देखोगे तो ये एक एंटी सीरम प्रोटीन होता है, ठीक है, एंटी सीरम प्रोटीन. जब कोई फॉरेन एंटीजन जस्ट लाइक दिस, जब कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक करती है या फिर इंटर करते हैं, तो बॉडी ये, ठीक है, बॉडी में उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा. ओके, ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ कंसिस्ट होते हैं, ये देखो, अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है. ये जो एंटीबॉडी है इस एंटीजन के अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है. ओके, एंड एंटीजन को डिस्ट्रॉय या किल कर देती है, ठीक है, या इसका मेन फंक्शन भी यही होता है किल करने का, ठीक है. एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक है, जिसे आईजी से भी हम लोगों ने अभी क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है या डिफाइन किया है. ओके, और बेसिकली एक और पॉइंट है कि इम्यूनोग्लोबिन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं गाइस, ठीक है. एंटीबॉडी जो होते हैं बेसिकली वर्टिब्रेट्स में ही प्रोड्यूस हो पाते हैं. सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो एंटीबॉडीज है वो सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही प्रोड्यूस होता है, नॉन वर्टिब्रेट्स में, नॉन कॉर्डेटा में प्रोड्यूस नहीं होता, सबसे बड़ा फैक्ट है. ओके, अगर इसके डेवलपमेंट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करूँ आपको, तो इसको सबसे पहले जो था डिस्कवर करने का जो मेन रोल, या फिर मैं बोलूँ उसका श्रेय, उसको आर्ने टिलस इल्विन एंड काबाट इन 1939 को जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, और इसका जो ये स्ट्रक्चर दिख दिया है ना वाई शेप्ड, इसका इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किए थे बेसिकली रोडने पॉल्टर. ओके, रोडने पॉल्टर ने 1962 में प्रपोज किया था. तो ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से इसको लर्न करना. अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको और बता देता हूँ इसके बारे में कुछ डिटेल. इसमें जनरली आपको दो चेन मिला, कि एक लाइट चेन मिला, दूसरा क्या मिला गाइस, हैवी चेन. लाइट चेन यानी एल चेन, हैवी चेन मतलब एच चेन. ओके, लाइट चेन जो शॉर्ट वाला है, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 23,000 डाल्टन एंड आर कंपोज ऑफ अबाउट 200 अमीनो एसिड. मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो लाइट चेन है वो छोटा सा है, ठीक है, लेकिन ये अमीनो एसिड से मिलकर बना, मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है आपको. और ये जो है लगभग 200 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है गाइस. लाइट चेन आर कॉमन टू ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जितने भी इम्यूनोग्लोबिन हैं यानी कि आइसोटाइप्स हैं, ये आइसोटाइप्स फॉर्म भी मैं आपको बाद में बता दूंगा. ये जो आइसोटाइप्स है इसके अंतर्गत हैवी चेन के कॉन्स्टेंट रीजन में डिफरेंट, और या फिर सभी जो डिसेज होते हैं, ठीक है, डिसेज हैं या उसके सब क्लासेस होते हैं, ठीक है, उनके मेन मेंबर्स में इनमें प्रेजेंट होती है. ये बहुत हैवी हो जाता है, हाई लेवल का नॉलेज है, छोड़ो इसको.
तो ये जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन है उन सब में ये कॉमन होता है, ठीक है। इट इज़ अ आइदर लैम्डा और कापा टाइप, ठीक है, के टाइप, इनमें जो होता है लैम्डा या कापा टाइप हो सकता है। अब ये लैम्डा कापा क्या है ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है, इसको डिटेल में बता दूंगा क्योंकि ये तो मेरा ही कोर्स है। हैवी चेन बताता हूँ, हैवी चेन क्या है, इट हैव अ मॉलिकुलर वेट अबाउट ट्विंस, ठीक है, ट्विंस ऑफ लाइट चेन, यानी लाइट चेन का ट्विंस होता है गाइस, डबल होता है, ठीक है, 15,000 टू 75,000 डॉल्टन। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर अबाउट 400 200, का 400 जस्ट अब डबल रहता है ये। द टू आइडेंटिकल फ्रेगमेंट ऑफ वाई सेप मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग एंड एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ से एंटीजन बाइंड होता है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको पता होगा, ये जो है ये उसका एंटीजन बाइंडिंग साइट है, दोनों जगह होता है, यहाँ भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है और यहाँ भी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे एंटीजन को ये बाइंड कर सकता है, ओके। एंड आर दस कॉल्ड फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि एफ ए बी, ओके, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है ये वाला जो पोर्शन है गाइस, ये देखो ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का ये एंटीजन फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसे इसको एफ ए बी बोलते हैं, ठीक है, और इधर को एफ सी बोलते हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड द थर्ड फ्रेगमेंट इज अनेबल टू बाइंड विथ एंटीजन कैन बी क्रिस्टलाइज एंड देयर फॉर इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, यानी कि एफ सी, ओके। ऑन द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर डिफरेंट इन द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल रीजन ऑफ हैवी चैन देयर आर फाइव क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हैव बीन रिकॉग्नाइज IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ये फाइव टाइप्स के ही क्या होते हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है गाइस, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं आपको बाद में और अच्छे से क्लियर करा दूंगा। अच्छा, इसका अगर एक डायग्राम देखोगे तो मैंने अपने क्लास नोट से निकाला है आप लोग के लिए, या ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये जो है एक क्लास नोट्स का है मेरा, ये देखो, ये एंटीजन एंटीबॉडी साइट्स है, ये सबके लिए अलग अलग नेम होता है। अभी आप लोगों ने कुछ नहीं, एक सिंपल इंटरव्यू इसका एक समझ लो, आप लोगों ने बस इंट्रो पढ़ा है, कुछ नहीं है अभी। यहाँ से ये जो मीथेन ग्रुप है, एथेन जो भी है, फैक्टर एफिनिटी आपका बेसिकली लैम्डा गामा बीटा है, ठीक है, म्यू है, साइनो है, बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं इसके, इसको बहुत सारे इप्सिलॉन म्यू आपका बहुत अलग अलग नेम से भी जानते हैं, ओके।